उस वक़्त इख्तलाफ शुरू होते हैं। एक हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कौल है कि वो कहते थे कि मेरा दिल तो मानता है, मेरा अकल कहता है कि जुराबों के ऊपर मस्सा नीचे से करना चाहिए, क्योंकि जब हम जुराबें पहनते हैं तो नीचे से ही खराब होती हैं। हम जब मस्सा करते हैं या कोई पट्टी बांधते हैं तो जब मस्सा करते हैं तो हम नीचे करें, पाँव के तलियों पे मस्सा करें, लेकिन ऊपर क्यों करते हैं? अकल ये कहता है कि तलियां नीचे लगती हैं, हम मस्सा भी नीचे से करें, लेकिन मस्सा इसलिए ऊपर करते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इसी तरह है। इससे ये बात साबित हुई, मैं बड़ी तफसील में नहीं जाना चाहता, ये बात साबित हुई कि जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान होगा, तरीका होगा, हम अमल करेंगे उसी तरह, तो फिर हमारा अमल काबिल कबूल होगा। अगर हम एक प्लाट लेते हैं, 10 मरले का प्लाट, 1 एकड़ जमीन लेते हैं, सारे गांव के लोग इकट्ठे होके बता दें कि ये फुला एकड़, फुला मुस्तील में फुला किला नंबर आपका नाम है, हम कभी मुतमईन नहीं होंगे, कभी हमें तसल्ली नहीं होगी जब तक तहसीलदार के मोहर और उसके साइन नहीं होंगे। जब उसके साइन होंगे, उसकी मोहर लगेगी, सारा गांव मिलकर कहे, पूरा चक मिलकर कहे कि ये किला फला एकड़ आपका नहीं है, हम कहेंगे तसल्ली है, हमारा ये, हमारे पास सबूत है, तहसीलदार की मोहर लगी है, तहसीलदार के सैन है। हम जितनी मर्जी कहते रहे, जितने मर्जी मौलवी कहते रहे कि ये अमल अच्छा है, ये भी कर लो, ठीक है, ये भी कर लो, इनके बारे में रब का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबार वरुहबान, ईमान वालो, ये दीन सिर्फ मौलवियों के लिए नहीं है, सिर्फ उलमा के लिए खास नहीं है, सबके लिए है। यही उलमा भी हैं, यही पीर बुजुर्ग रहे भी हैं, अल्लाह के जो अपने वली बनाते हैं अपने आप को दरवेश, लोगों का माल खाते हैं बिलबातिल, बातिल तरीके से, वयसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह के सीधे रास्ते से रोकते हैं। उनको पता है कि अगर सीधी राह बता दी तो फिर हमारा सिलसिला बंद हो जाएगा। मेरे मोहतरम भाई है, जिसका आपने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, वादा किया, एक ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह, इससे हटना नहीं। गर्दन जाती है, चली जाए, कुछ हो जाए, हमने करना वो है जैसे रब का हुक्म है, रब का कुरान कहता है। रब का कुरान कहता है नमाज पढ़, हमने पढ़नी है, लेकिन किस तरह पढ़नी है? जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है, साहबा ने पढ़ी है, उसके आगे कोई गारंटी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के अंदर 73 फिरके बनेंगे, जैसे यहूद और नसारा के 72 फिरके थे, और मेरी उम्मत के जिस तरह एक पाँव सज्जा खब्बा पैर बराबर, इसी तरह और एक फिरका उनमें कामयाब होगा, वो जन्नत वाला। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मा अना अलैहि व सहाबी, जिस पर मैं और मेरे साहबा हैं वो कामयाब है। तो फिर हम तलाश करें, हम अगर हमें एक चीज खालिश नहीं मिलती, कपास बीजने के लिए कितनी दुकानों में जरिए फीसर के पास जाते हैं कि हमें एक नंबर बीज मिल जाए, हमारी फसल कपास अच्छी हो, हमारी गंदम अच्छी हो, हमारी मूंजी अच्छी हो, उसकी उसका म्यार अच्छा हो, और वाफिर मिकदार में हमें उससे कुछ मिले। यार इसके लिए कितनी मेहनत कर गुजरते हैं। हमारा ट्रैक्टर खराब हो जाए, इसका सफेद पार यहाँ से ना मिले, फैसलाबाद जाओ, फैसलाबाद से नहीं मिला, लाहौर जाओ, लाहौर नहीं मिला, पिशावर से लेके आएंगे। हमारे घर में गाड़ी खड़ी है, 15-20 लाख की गाड़ी है, 10 लाख की गाड़ी खड़ी है, हमारा नुकसान हो रहा है। मेरे मोहतरम भाई, इस जमीन को सरखेज करने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए एक गाड़ी खराब है, उसके पीछे इतनी मेहनत कर रहे हो, असल चीज तलाश करने एक असल पुर्जा मिल जाए। आपको दीन की फिक्र नहीं है कि मैंने जो मसला लिया है, तरीका नमाज का लिया है, एक कहता है ये नमाज सही है, दूसरा कहता है ये नमाज सही है, तीसरा कहता है ये नमाज सही है, तो फिर हम किधर जाएं? हम अच्छी खालिस नमाज, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, खालिस नमाज हम कहां से ले? फिर कहो सब कि रब का कुरान फिर सही नहीं है। कहीं आपने सुना है कि अल्लाह के इस कुरान के अलावा कोई और कुरान आएगा जो आपकी इस्लाह करेगा? आप बताएं फिर आज जिस मौजू पे ये कॉन्फ्रेंस हो रही है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं और क़यामत तक आखिरी नबी नहीं, क्या फिर इनके दीन में, तरीके में शक आ गया है, जिससे हम दूसरे तरीके इख्तियार करते हैं, दूसरे तरीके हासिल करते हैं? कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, उलिल अम्र जो आपका अमीर है उसकी भी करो। अगर कोई अमीर के हुक्म में कोई तुम्हारा इख्तलाफ हो जाता है फिर तनाज़ातुम फी शैइ, फिर तनाज़ा खड़ा हो जाता है। रब का कुरान ये कहता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये कहता है, उधर से अमीर का ये हुक्म हुआ, अब फिर हम किधर जाए? रब का कुरान कहता है फैसला बता दिया, फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, फिर लौटो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। अल्लाह और उसके रसूल को नहीं छोड़ सकते, अमीर को फिर छोड़ दो, क्योंकि वादा किया है, ला इलाहा इल्लल्लाह वादा किया है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। मेरे मोहतरम भाई, मैं बात को आगे नहीं लेना जाना चाहता, मेरे मेहमान बैठे हैं, और एक हदीस उसका तर्जमा भी बता दूं, और एक आयत भी जो पढ़ी है, आयत पढ़ी है तरबलिन्नासी हिसाबहुम फी गफलतिन मुरिजून, हमारे हिसाब का दिन करीब आ गया। हमारे हिसाब का दिन 14वें सिपारे की पहली आयत पढ़ी है, हिसाब का दिन लोगों के लिए करीब है। हुम फी गफलतिन मुरिजून, वो भी गफलत की नींद सोए हुए, मुंह फेर रहे हैं, तवज्जो नहीं करते, सुनते नहीं। मायाती में जिक्र में रब्बिम, वो लोग इसी तरह करते, रब की तरफ से जो भी आयाते नई बात आती वो भी सुन के इधर उधर कर देते थे, तवज्जो नहीं देते थे, खेल कूद में वक्त गुजार देते थे। तो मैंने हदीस पढ़ी है, क़यामत के दिन हशर का मैदान होगा, नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, कोई आदमी अपनी जगह से पाँव नहीं हिला सकेगा जब तक 4 सवालों का जवाब नहीं देगा। पहला सवाल होगा अन उमरी फीमा अफना, पूरी उम्र को कहाँ ज़ाया किया। दूसरा सवाल अन शबाबी फी मामला, पूरी जवानी को कहां बर्बाद किया। क्रिकेट जवान, वॉलीबॉल टीम जवान, डाकू जवान, चोर जवान, जानी जवान, माँ बाप को धक्के देने वाला जवान, बूढ़े हुए बाबा मुझे बताना था मस्जिद किधर है। भाई इबादत भी जवानी की, रब को राजी करना जवानी में, अपनी जवानी को कीमती बनाना है। तीसरा सवाल होगा अम्माली मन फा, जो माल आपने कमाया कैसे कमाया। पटवारी साहब आपकी तनख्वाह तो 20,000 थी, हर बेटे के पास गाड़ी, बैंक बैलेंस, बंगले, कोठियां, ये मुरब्बे कहां से आए? और जो अल्लाह पूछेंगे जो मैंने आपको माल दिया उसको खर्च कहां किया, उसको कहां खर्च किया। चौथा सवाल होगा हम इस उलमा से, एक कारियों से, अन इल्मी माज़ामिल फी, फला मौलाना साहब, फला कारी साहब, इस इल्म की वजह से, इस कुरान की वजह से, इस हदीस की वजह से लोग आपकी इज्जत एहतराम करते थे, आप लोगों को वाद और नसीहत करते थे। आप बताएं आपका रिज़्क़ हलाल था, आपकी बीवी को पर्दा था, आप जो लोगों को वाद और नसीहत करते थे उस पर अमल किया। अमल सही, जवाब सही हुआ तो ठीक है, कामयाब, वरना कोई फरिश्तों को हुक्म होगा इनको पकड़ के घसीट के बिछाने के बल जहन्नम में घसीट कर फेंक दो। मेरे मोहतरम भाई, यही आपको सबक सुनाना था, आपको एहसास दिलाना था कि हम अपना सोचे, फिक्र करें, हम गफलत में हैं और हमें कोई नहीं पता। इधर से कोई आके कहता है ये मसला है इसी तरह कर लो, ये इधर से कोई आके आवाज़ आती है ये काम भी सही है ये भी कर लो, सामने से आवाज़ आती है ये भी कर लो सही है, इधर से आवाज़ आई वो भी कहता है सही है, फिर हम किधर जाए? फिर रब का कुरान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, हम दावेदार किसके? इताअत तो उनकी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर हम अपने आप को गफलत में ख़त्म कर रहे हैं, उम्र गुजरती जा रही है और ये सोचते जा रहे हैं बस सुन लेंगे कर लेंगे, सुन लेंगे कर लेंगे, कोई नहीं आज नहीं कल। मेरे मोहतरम भाई, अपना फिक्र करो, तहकीक करो, रब का कुरान क्या कहता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या कहता है, हमारे आने का मकसद क्या है। दुनियादारी नहीं है, रब का दीन है, और हम अगर अपना कुछ नहीं कर सके तो अपने बच्चों को दीन सिखाएं, रब का कुरान सिखाएं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सिखाएं। आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपके लिए सदका जारिया होगा। मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इस प्रोग्राम को कामयाबी तरक्की अता फरमाए और हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। जो कुछ मैंने कहा है अल्लाह हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। क़ुल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।